हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लाभ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी ए ऑल एडमिशन के बारे में, 2023 के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोगों को भी देखने को मिलता रहेगा, और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आप लोग का कोर्स में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों। इसमें नंबर वन में दोस्तों देख सकते हैं नेम ऑफ साइंटिफिक फीस फार्मिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप लोग को नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो 50 सीट देखने को मिलेगा। इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आप लोग को 14 डेज के लिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें आप लोग को क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 8 पास होने से भी इस पोस्ट के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 110 रुपीज और कोर्स फी की बात करें तो 2010 रुपीज आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नंबर टू में दोस्तों नेम ऑफ कोर्स की बात करेगा तो दोस्तों फ्लावर अरेंजमेंट फॉर वेरियस ओकेशन में आप लोग को नंबर ऑफ 50 पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन आप लोग को एक महीना आप लोग को वन मंथ मतलब एक महीना आप लोग को ट्रेनिंग कोर्स करा जाएगा। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन आपके बात करेगा तो क्लास 10 पास होने से भी इस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 110 रुपीज आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फी कोर्स फी की बात करें तो 2010 रुपीज आप लोग को कोर्स फी पे करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेम ऑफ नंबर थ्री में दोस्तों देख सकते हैं नेम ऑफ कोर्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर कॉर्प में आप लोग को टोटल नंबर ऑफ सीट 50 पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें आप लोग का वन मंथ एक महीना आप लोग को ट्रेनिंग करा जाएगा दोस्तों। इसमें क्लास 8 पास होने से भी इस पोस्ट के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 110 रुपीज आप लोग को एप्लीकेशन फीस पे करना होगा दोस्तों, और कोर्स फी की बात करेंगे तो 2010 रुपीज आप लोग को कोर्स फी पे करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेम ऑफ कोर्स दोस्तों देख सकते हो कमर्शियल लेयर फार्मिंग में आप लोग को टोटल 50 सीट देने को मिलेगा, 50 सीट देने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस पर आप लोग को एक महीना ट्रेनिंग करा जाएगा दोस्तों, वन मंथ। उसके बाद दोस्तों इसमें क्लास 10 पास होने से भी इस पोस्ट के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 110 रुपीज एप्लीकेशन फीस, और कोर्स फी की बात करें तो दोस्तों 2010 रुपीज आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। उसका मतलब आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। नंबर फाइव में दोस्तों देख सकते हो नेम ऑफ कोर्स ट्रैक्टर ऑपरेटर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में आप लोग को टोटल 50 पोस्ट देने को मिलेगा, 50 सीट, और इसमें वन महीना मतलब वन मंथ ट्रेनिंग करा जाएगा दोस्तों। क्लास 8 पास होने से भी इस पोस्ट के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इसमें एडमिशन फीस दोस्तों 110 रुपीज, और कोर्स फी की बात करें तो 2010 रुपीज आप लोग को पे करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके लिए आप लोग को नंबर वन में फिर से दोस्तों देख सकते हैं अदर पोस्ट में फीस न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट में 50 पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 3 महीना मतलब 3 महीने आप लोग का ट्रेनिंग करा जाएगा। आप लोग का इसमें क्लास 10 पास होने से भी पोस्ट के लिए एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फीस आप लोग को दोस्तों देख सकते हो 210 रुपीज, और कोर्स फी की बात करें तो 7510 रुपीज आप लोग को कोर्स फी पे करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर टू में दोस्तों नेम ऑफ कोर्स गॉड फार्मिंग में आप लोग को दोस्तों देख सकते हैं इसमें टोटल 50 पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें 3 महीना आप लोग को कोर्स करा जाएगा। उसके बाद क्लास 10 पास होने से भी इस पोस्ट के लिए एडमिशन ले सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करेगा 210 पोस्ट, और कोर्स फी की बात करेगा तो दोस्तों कोर्स फी 7510 रुपीज आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेम ऑफ कोर्स इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, 50 पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग आप लोग को 3 महीना आप लोग को कराया जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग को क्लास 10 पास होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करेगा तो दोस्तों 210 रुपीज पे करना होगा दोस्तों। इसमें कोर्स फी की बात करें तो 7510 रुपीज आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों इसमें आप लोग को इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल फॉर AAU असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल एडमिशन 2023 यू कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग। आप लोग दोस्तों देख सकते हो टाइम जब तक टाइम रहेगा आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों देख सकते हो वंस योर एप्लीकेशन एंड पेमेंट आर वेरीफाइड यू विल रिसीव कंफर्मेशन ईमेल। आप लोग को अगर एक बार सबमिट करोगे तो आप लोग को एप्लीकेशन फीस एंड पेमेंट डन करोगे तो आप लोग का ईमेल आईडी पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने को मिलेगा। आप लोग को ईमेल चेक करने के लिए बोला। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करें तो 20 अप्रैल 2023 से ऑलरेडी लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। उसके बाद इसका लास्ट डेट होने वाला है 3 मई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। और रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनल सबमिट की बात करेंगे तो दोस्तों फाइनल सबमिट आप लोग को दोस्तों 5 मई 2023 होने वाला है, और फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स 9 मई 2023 से आप लोग को होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए
जैसे ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जैसे इस लिंक बटन पर क्लिक कर दो दोस्तों, डायरेक्ट इस तरह से आपको इंटरफेस देने को मिलेगा दोस्तों, इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा जैसे लिंक पर क्लिक करो तो आप लोग को ये फिलअप करना होगा दोस्तों। कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। पहले आपको ईमेल आईडी इस पर डाल देना, उसके बाद आपका फुल नेम डाल देना आपका दुकान के हिसाब से, उसके बाद आपका कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हो एडमिशन इस पर आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रिफर, अगर आसामिस में लेना चाहते हो इंग्लिश ही बेटर है, इंग्लिश लेने दो। उसके बाद इसमें बोला गया एनी एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर फार्मिंग, अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग में तो एक्सपीरियंस है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इफ यस देन फॉलोइंग, अगर यस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस पर जो भी हो आपका एक्सपीरियंस जो भी डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट एंगेजमेंट में आपके हिसाब से आपको डाल देना आपको क्या करते हो दोस्तों, सर्विस तो काम करके डाल देना, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद इस पर एज प्रूफ जो भी हो आपका एज प्रूफ डाल सकते हो दोस्तों, आपका इसे क्लास 10 का मिट का डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद इसमें जो भी हो आईडी प्रूफ भी डाल सकते हो, आधार कार्ड भी डाल सकते हो, पैन कार्ड भी डाल सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी सिमिलर है मैचिंग है आपको डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका फादर नेम डाल देना, उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है आपका कैटेगरी हिसाब से सिलेक्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका फुल परमानेंट एड्रेस डाल देना और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर वोटर आई डी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आप इस पर आप लोग को डाल सकते हो, अपलोड कर देना दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना दोस्तों। उसके बाद इस पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल देना, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को व्हाट्सएप नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद फोटो अपलोड कर देना दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हाई क्वालिफिकेशन डाल देना दोस्तों, आपका जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट इस पर आपको डाल देना दोस्तों। 1 MB मैक्सिमम 1 MB से पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आप लोग को जो भी एप्लीकेशन फीस है और एप्लीकेशन फीस है इस पर जो भी है आप लोग को देना होगा एडमिशन फीस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, जो भी एप्लीकेशन फीस है आप लोग को इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के लिए पेमेंट कैसे करना इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देख सकते हो दोस्तों। उसका बाद पहले आप लोग को पेमेंट करना होगा दोस्तों, पहले आप लोग को पेमेंट करना होगा दोस्तों। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप लोग को प्रिंटआउट फॉर्म, एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट रिसीव फॉर्म आप लोग को फिर से अपलोड करना होगा दोस्तों। अपलोड करने के लिए दोस्तों पहले आप लोग को इस तरफ से आप लोग को जो भी हो आपका ट्रांजेक्शन का आईडी इस पर आपको डाल देना दोस्तों। उसके बाद आपको जो भी पेमेंट आप करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो आप लोग को रिसीव आप लोग को मिलेगा, वो आपको इस पर आप लोग को फिर से अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को सिंपली से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। पेमेंट करने के लिए सिंपली से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस तरफ से देख सकते हो क्लिक हियर टू ओपन पेमेंट लिंक बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे इस बटन पर क्लिक कर दो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट ऑप्शन में आप लोग को लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को इस तरफ से आप लोग को पेमेंट कर देना दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक करके भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देने को मिलता है और पूछते रहेगा, और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर।